नमस्कार, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बिग बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर बजट सेशन से जुड़ी बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है, तो बजट सेशन से जुड़ी बड़ी खबर, बॉयकॉट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, तो कांग्रेस ने लगाए जय जवान जय किसान के नारे और सदन से कांग्रेस वॉकआउट कर गई है। कांग्रेस किसानों को नहीं उकसा रही है, यह बात हुड्डा ने कही और सदन की तस्वीरें जहां पर जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए कांग्रेस सदन से वॉकआउट कर गई। यानी कि आज का दिन जबरदस्त हंगामे के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा जय जवान जय किसान और उसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है। तो बायकॉट के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास, कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया है। तो सदन की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बजट सेशन से जुड़ी सामने आ रही है। सदन में वापस लौटे हैं कांग्रेस के विधायक, वॉकआउट के बाद वापस लौटे हैं, प्रस्ताव के समर्थन में हम नहीं है, यह बात हुड्डा ने कही है। निंदा प्रस्ताव के विरोध में सदन से वॉकआउट किया था कांग्रेस ने, एक बार फिर से सदन में लौटी है कांग्रेस, नेताओं के बॉयकॉट पर आया है निंदा प्रस्ताव। तो सदन में वापस लौटे हैं कांग्रेस के विधायक, सदन से वॉकआउट किया कांग्रेस विधायकों ने और उसके बाद फिर से सदन वापस लौटे हैं और भूपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव के समर्थन में हम नहीं हैं। तो आज का दिन जबरदस्त हंगामे के बीच लगातार जारी है सदन की कार्यवाही। एक एक तस्वीर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, अपडेट हम आपको दे दें। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया था, एक बार चाहे वो किसानों के लिए हो, अनेक योजनाएं इस प्रदेश के व्यक्ति के स्वाभिमान को बनाने के लिए ये बजट में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे स्वाभिमान अगर अच्छा करना है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हमने कहा, हमने इस बजट में रखा और इशार में रखा कि महिला पुलिस ट्रेनिंग कैंप, महिलाओं का स्वाभिमान जगेगा, महिला पुलिस का स्वाभिमान जगेगा। महिला थानों की बात करें, हमने पूरे प्रदेश में महिला थानों का जिक्र किया, महिला स्कूल्स की बात की, इस तरह की अनेक महिलाओं के बारे में जो हमने बातें की, बजट में बात की, हमने इस बात को ध्यान में रखा कि किसी भी तरीके से महिला का सम्मान नहीं गिरना चाहिए। एजुकेशन की बात करें हम, केजी से पीजी तक पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये स्वाभिमान की बात नहीं है क्या? 35 विश्वविद्यालय हरियाणा में, एक सेंट्रल, 10 गवर्नमेंट के और 24 निजी। ये जो पढ़ाई, शिक्षा, हर तरह की शिक्षा हर स्तर को मिले, समाज के हर व्यक्ति को मिले, और कई जगह हमने मुफ्त शिक्षा का भी विचार किया। स्वाभिमान आधारित हमारा जो बजट है वो स्वाभिमान आधारित है। इसके लिए बजट में 18,410 करोड़ का जो प्रावधान किया, ये बड़ा सराहनीय है। स्वास्थ्य की बात करें, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, हर जिले में ये जो कोविड के बारे में आरटीपीसीआर टेस्ट, इसकी व्यवस्था, हर जिले में सिविल हॉस्पिटल, और जितने भी 9-10 जिले हैं जहां 100-100 बेड के हॉस्पिटल हैं उनको 200 बेड का करना, आयुष्मान कार्ड अधिक मात्रा में जारी करना, जेंडर रेशियो में इंप्रूवमेंट, एमएमआर, उसकी जो एमएमआर की जो पहले डेथ्स होती थी उसकी रेशियो में इंप्रूवमेंट। एक और नई तरह की बात, वेलनेस सेंटर। इलाज के लिए तो हॉस्पिटल खुलते ही हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर, 1000 सेंटर कम से कम पूरे पूरे प्रदेश में, उनको खोलने की व्यवस्था। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो रेल है, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट है, इन सभी रचनाओं को दृढ़ करके गरीबों को व्यापार
या नौकरी लगवाकर उनको आत्मनिर्भर करना, ऐसा माहौल ऐसा क्रिएट करना, ये मनोहर लाल जी के बजट की सबसे बड़ी खूबी है। किसानों के लिए फसल बीमा 12 रुपए की मैंने जिक्र किया, 330 रुपए में जीवन ज्योति बीमा, मुद्रा बैंकिंग और 6000 रुपए की किसानों को सम्मान राशि देना, ये सब जो मैंने आपको बताया कि जो दो विचारधाराएं, एक में हम डिपेंडेंट बनाकर लोगों को रखें और एक में हम उनको आत्मनिर्भर बनाएं, इसी बात को रखते हुए मैंने ये बात कही। 1,00,000 परिवारों को पीपीपी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई करके उनकी इनकम को 1,80,000 रुपए करना। चलिए सदन की इस कार्यवाही के बीच एक और